यूक्रेन युद्ध के बीच एक ऐसी खबर आई है जो पूरी दुनिया के लिए बेहद ही चौंकाने वाली है। दरअसल यूक्रेन पर जब हमला हुआ था तब टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने अपनी स्टारलिंग सैटेलाइट से यूक्रेनियों के लिए इंटरनेट खोल दिया था, जिसकी वजह से यूक्रेन की सेना को युद्ध में काफी मदद मिली थी। लेकिन अब पुतिन और एलन मस्क को लेकर एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। वो ये है कि अमेरिका के रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन के एक पूर्व अधिकारी ने कहा है कि एलन मस्क ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से व्यक्तिगत रूप से फोन पर बात की थी। हालांकि एलन मस्क इस तरह की खबरों को यूक्रेन युद्ध के शुरुआती दिनों में खारिज कर चुके हैं, लेकिन अब इसको लेकर अमेरिकी मीडिया हाउस द न्यूयॉर्कर ने एक खबर छापी है, जिसमें मीडिया हाउस ने कहा है कि पेंटागन में पॉलिसी विभाग के रक्षा सचिव कॉलिन काल ने कहा है कि एलन मस्क ने उन्हें खुद बताया था कि उन्होंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात की है। कॉलिन का कहना है कि एलन को ऐसा लग रहा था कि यूक्रेनी सेना के युद्ध प्रयासों में इजाफा होने की वजह स्टारलिंक सैटेलाइट को माना जा रहा था और रूस की चिंताओं को शांत करने के लिए मस्क एक रास्ता तलाश रहे थे। हालांकि एलन मस्क ने युद्ध की शुरुआत में एक बार पुतिन से बात करने की बात जरूर कबूल की थी, लेकिन इसके बाद बात करने के सभी दावों को खारिज कर दिया था। वहीं अमेरिकी रक्षा विभाग के प्रवक्ता जेफ जुर्गेसन का कॉलिन के बयान पर कहना है कि हम इसमें कवरेज और रुचि से अवगत हैं और विभाग इस प्रकार की सेवाओं के लिए स्टारलिंक के साथ अनुबंध करता है। जैसा कि हमने कहा कि ऐसे तंत्रों के संवेदनशील व्यवहार की वजह से हम अतिरिक्त जानकारी जो विशेष क्षमताओं, अनुबंध या सहयोगियों से जुड़ी हैं, उसे इस वक्त साझा नहीं कर सकते। आपको बता दें कि पिछले साल एलन मस्क ने यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए एक शांति प्रस्ताव भी रखा था, जिसे यूक्रेन ने तो खारिज कर दिया था, लेकिन रूस ने उसका स्वागत किया था। इसके बाद ऐसी खबरें आई थी कि यूक्रेनी सैनिक स्टारलिंक सैटेलाइट से चलने वाले इंटरनेट की कटौती का सामना कर रहे थे और यहां तक कि मस्क ने भी यूक्रेन को दी जा रही फ्री इंटरनेट सेवा को बंद करने की धमकी दी थी। हालांकि बाद में उन्होंने ये साफ कह दिया था कि यूक्रेन को फ्री इंटरनेट की फंडिंग जारी रखेंगे।